मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे कि परमाणु क्या है, व्हाट इज एटम। परमाणु तत्व का अति सूक्ष्म कण है। परमाणु तत्व का अति सूक्ष्म कण है। एटम इज ए वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज ए वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एटम इज ए वेरी माइन्यूट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। परमाणु गोलाकार है। परमाणु गोलाकार है। एटम इज स्फेरिकल। एटम इज स्फेरिकल। परमाणु विद्युत उदासीन है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट मीन्स एटम हैज नो एनी चार्ज। एटम हैज नो एनी चार्ज। एटम्स ऑफ नोबल गैसेस एटम्स ऑफ नोबल गैसेस और फ्री और इन फ्री स्टेट। एटम्स ऑफ नोबल गैसेस और इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। उत्कृष्ट गैसों के जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं क्योंकि ये क्रियाशील नहीं है। बट
अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बट अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट because they are reactive. अन्य तत्वों के जो परमाणु हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि वे क्रियाशील होते हैं. नोबल गैस को अक्रिय गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं. इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, दीज आर नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन आर नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस ऑफ एटमॉस्फियर. और एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप. द एटम्स ऑफ दीज इनर्ट गैसेस और फाउंड इन फ्री स्टेट. परमाणु बिना टूटे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है. परमाणु बिना टूटे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है. विदाउट ब्रेकिंग एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. परमाणु अपनी पहचान बनाए रखता है. एटम मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी
एटम मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी, परमाणुओं के योग से अणु बनता है। परमाणुओं के योग से यानी जुड़ने से अणु बनता है। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम वर्ड इज ए ग्रीक वर्ड। एटम वर्ड इज ए ग्रीक वर्ड। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। देखिए जैसे ये एटम है, स्फेरिकल है, इसका ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नाभि, द सेंटर ऑफ एटम, द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। The center of atom is called nucleus, like this. Draw this. This is nucleus. नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। विद इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट। विद इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। The collective name of neutron and proton is nucleon. The collective name of neutron and proton is nucleon. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और फंडामेंटल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं,
इनको मूल कण कहा जाता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल मींस न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन हैज प्लस वन चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन है प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। प्रोटॉन है चार्ज ऑफ अमाउंट प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम। न्यूक्लियस नाभिक, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज सेल। ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज सेल। और इनर्जी लेवल, सेल और इनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन भी एक मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 गुणे 10 पर घात ऋण 19 कूलॉम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन है माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज। इलेक्ट्रॉन है माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज। दिस इज ए पिक्चर ऑफ एन एटम। This is nucleus, this is first cell, this is second cell, this is third cell, this is fourth cell, this is fifth cell, this is sixth cell and so on. This is also known as first orbit, this is second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, etc. This is first energy level, this is second energy level, third energy level, fourth energy level, fifth energy level and so on. Atom, as you know, atom is
ए वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एटम इज स्फेरिकल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दीज ऑल थिंग्स शुड बी रिमेम्बर्ड बाई यू